बच्ची को, एक नौकर को तो भी जरा देखते रहम खाते, उतना भी रहम नहीं खाता। आज सुबह में फोन आया कि अम्मी मेरे को मार रहे हैं, रोते हुए फोन करी, मार रहे हैं, कमरे में जाके दरवाजा लगा दी, तो उन्हें बाहर से लगा दिया, अब निकला ना, यहीं रहना तू, यहाँ मरे तक यहीं रहना, बोल रहे थे मेरी बच्ची कैसे आएंगी। मैं हुकूमत से मदद मांगना चाह रही हूँ, बच्ची को बुलाओ जल्दी, पाकिस्तान से हिंदुस्तान को बुलाओ, बच्ची मेरी बहुत परेशान है, सर में दर्द है, लगा मार ले रहे हैं, सर को दीवार से मार लूँ क्या, बोल रही है तो तकलीफ हो रही इसकी, हंसियों में दर्द, बीपी कम है, बच्ची का कमज़ोर हो जा रही, बच्ची को मैं ये मदद चाह रही, बस मेरी बच्ची को बुलाओ, इंडिया को जल्द से जल्द बुलाओ, बस मैं मदद चाह रही हूँ। मारा जाता है, मारा जाता है, ऐसा ऐसा कौन कौन लोग मारते हैं? नहीं और कोई भी नहीं, अभी हाथ उठा था माँ ने आता भाग ले तो जाके बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिए थे, कमरे में बंद कर दिए, मेरी बच्ची कैसे आएंगी, कैसे खाने को, नहीं सर में दर्द खराब हो तो नहीं है, चाय नहीं है कुछ नहीं, वैसे बट खाना नहीं, सुबह में उठ के पकाए खाना, रोटी सब पकाए, बच्चे स्कूलों को भेज दी, सब चले गए, कोई भी घर में नहीं थे ना, बहस करके मारने आया, गाली गंदी गंदी गाली देता घर, बहसा करता, दामाद का नाम, मेरे दामाद का नाम यूनुस मियां है, मोहम्मद यूनुस, बहुत जुल्म कर रहा, बहुत जुल्म कर रहा मेरी बच्ची पे। तो अभी आप बच्ची को कितने बच्चे? बच्चे हैं दो बेटियाँ, दो तीन बेटे हैं, पांच बच्चे हैं, पाकिस्तान को गया एक बच्चा हुआ, अब वो बच्चा 8-9 साल का है, 9 साल से वहीं छः बच्ची में। तो बच्ची को बच्चों के साथ बुलाना चाहे? बच्चों के साथ बुलाना चाहे तो आए, तो मर्जी की बात है, मगर बच्ची मेरे आए तो उनकी मर्जी की बात है, मगर माँ भेजो गोरी में बच्ची को, भेजो अब जरूरी है, बच्ची बहुत तड़प रही मिलने के लिए हम लोग से, मेरे को बहुत तकलीफ दे रही है, मैं थोड़े दिन रही थी, मैं इलाज करा लेती हूँ इंडिया में आके, मेरे दिमाग का इलाज, मेरे हंसियों में दर्द, कमर में दर्द, बहुत तकलीफ है बच्ची को, मैं इलाज करा लेती हूँ, मेरे को नहीं दवा खाने को लेकर आती, दो गोलियाँ दिलाती हूँ, बिठा देती रहती, चल खा काम कर, काम कर, खाली काम करना घर में, कुछ भी दूसरा काम नहीं करे तो मार के डालना, करती बच्ची ऐसा भी तो दुबली बच्ची मैं बहुत काम करती हूँ, बच्चे भी कहना नहीं मानते, बाप नहीं मानने देता, नहीं सुनना माँ की बात, कुछ भी नहीं सुना, माँ नहीं होती, नहीं इंडियन होने, इंडियन है वो तो, इंडियन है तो भिजा देना, फिर हमारे घर भिजा दो हमारी बच्ची को। इसका मतलब इंडिया और पाकिस्तान में ऐसे वो लोग अलग करके ऐसे देखते हैं आपकी बच्ची को, ये हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, ऐसा बहुत बहुत गालियाँ देते हो ना, हिंदू तो हिंदुस्तानी, हिंदू है तो मुसलमानी है, हिंदुस्तानी हिंदू है तो भी कहीं भी शादी कर लिया, हिंदू है तो बच्चे कहीं पैदा करा नहीं करना था, शादी नहीं कर लेना, मालूम था ना तेरे हिंदुस्तानी बच्चे की से ऐसे गंदे गंदे गालियाँ देता मेरे को, मेरे शौहर तेरे तेरे को भेज दिए, तेरे माँ बाप पैसा मंगाए, पैसा खाते करते, हम हर वक्त पैसा मंगाते रहते, हम 5 रुपये नहीं जानते उसको आज तक, बस उसकी बीवी को भेजा रखा था जिसको दे लिया थोड़े बहुत पैसे, बस खत्म, हमको अब तक नहीं मालूम कुछ, गलत गलत इल्ज़ाम डालता है, गलत गलत बातें शकान करता है, क्या क्या है कि उसको गलत दिमाग है उसका, अच्छा नहीं है, उसकी और एक बीवी है, वो बीवी जैसा सिखा ऐसा करता, परवीन नाम है उसकी बीवी का, पाकिस्तानी है, उन्हें बस मेहरबानी है आप लोग बुला लिए तो मैं हुकूमत से मदद चाहती हूँ, बुला दीजिए मेरी बच्ची को जल्द से जल्द मेरे घर बुला दीजिए बस।